हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन मेल फीमेल दोनों में रहेगा। अगर मेल में होगा गैमेटोजेनेसिस तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक, और अगर वही गैमेटोजेनेसिस फीमेल में होगा तो उसको बोलेंगे ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का मतलब होता है एग का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो रहेगा दैट इज स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखेंगे प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा। प्यूबर्टी दैट इज अगर हम बात करें तो 9 to 11 ईयर्स के आसपास होगा। ठीक है, तो प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। बट ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओजेनेसिस जो होता है वो कब स्टार्ट होगा फीमेल में, वो प्यूबर्टी से स्टार्ट नहीं होगा बेटा। ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ में। ये दिख रहा है आप लोगों को फीटल लाइफ, तो फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब फीमेल चाइल्ड जो है वो एम्ब्रियो के फॉर्म में है प्रेगनेंसी पीरियड में। ठीक, देन उसके बाद देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ होता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखेंगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेस्टिस में। अब टेस्टिस में कहाँ पर होता है ये, हम अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का। तो टेस्टिस में कहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब एक डायग्राम है बेटा, देखेंगे ये, मैं दिख रहा है आप लोगों को, ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम कट कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर क्रॉस सेक्शन ले, इसको अगर हम कट कर दिए, कट करने के बाद इसका पूरा का पूरा सरफेस न लेकर कर अगर हम देखें तो इसका सिर्फ आधा अगर हम लेंगे, ये आधा। ठीक है, ये हो गया आधा, तो ये इतना हिस्सा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इतना हिस्सा जो कि यहाँ पर डायग्राम में आपके दिख रहा है। ठीक, देन देखेंगे बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूरी लाइंड होती है जर्म सेल से, जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल का क्या होगा, अब माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। स्पर्मेटोगोनियम जो रहता है वो एक प्रकार का क्या है भैया, प्री गैमिट है, वो गैमिट बनने के पहले का एक स्टेज है। तो जर्म सेल की लाइनिंग होती है किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये जर्म सेल की लाइनिंग है पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, यहाँ हम दिख रहे हैं, तो जर्म सेल किसमें चेंज होगा, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है डायग्राम में देखेंगे बेटा, स्पर्मेटोगोनियम जो रहेगा अब किसमें चेंज होगा, स्पर्मेटोगोनियम जो है वो प्राइमरी ओसाइट में चेंज होगा। ठीक है, ये भी माइटोटिक डिवीजन ही होगा, इसमें भी माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, यहाँ पर स्टार्ट होगा मियोसिस। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस स्टार्ट होगा और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ठीक है, तो ये मियोसिस फर्स्ट होगा, ध्यान रखेंगे मियोसिस दो पार्ट में होता है बेटा, अगर आप लोगों को याद होगा मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के थ्रू क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 1 होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 2 होगा, मियोसिस M2 होगा और क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। अब यहीं से सारा चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। और स्पर्मेटिड का क्या होगा, अब मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस होगा, मतलब ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटोजोआ में चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है कि नॉर्मल सेल जो है दैट इज स्पर्मेटिड, वो एक स्पर्म का शेप में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस ये हम आगे देखेंगे। चलिए,
तो फिर से देखेंगे क्या क्या देखे हम लोगों ने कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होगा, टेस्टिस में, टेस्टिस में कहाँ, सेमिनिफेरस्टिब्यूल में, सेमिनिफेरस्टिब्यूल में जो लाइंड होती है पूरा का पूरा, जर्म सेल चेंज होगा स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम का माइटोटिक डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस वन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस टू कंप्लीट होकर के स्पर्मेटिड बनेगा। ध्यान रखेंगे मियोसिटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है स्पर्मेटिड बनने के साथ में, देन सिर्फ और सिर्फ उसका शेप चेंज होगा, देन उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। देन देखेंगे स्पर्मेटिड चेंज होगा स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इसी को हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ फ्लो चार्ट में आ जाते हैं, देखेंगे बेटा प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा स्पर्मेटोगोआ, माइटोटिक डिवीजन दिख रहा है आप लोगों को, माइटोटिक डिवीजन दिख रहा है यहाँ पर, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा बहुत सारे, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो रहेगा वो मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, क्योंकि मियोसिस जो रहेगा दो पार्ट में होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मेटोजोआ, और इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये। देन आते हैं हम ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस जो है वो कहाँ होगा, ऊजेनेसिस का मतलब एग फॉर्मेशन, ऊजेनेसिस कहाँ होगा, ऊजेनेसिस होगा ओवरी में, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, बट ऊजेनेसिस जो रहेगा कहाँ स्टार्ट होगा, फीटल लाइफ में, तो ये ओवरी जो रहेगा वो फीटल लाइफ में रहेगा, तो फीटल लाइफ में जो ओवरी है वहां पर बहुत सारे ओगोनियल सेल्स बनते हैं, ठीक है, वहां बहुत सारे ओगोनियल सेल्स बनेंगे, तो बहुत सारे ओगोनियल सेल्स बनेंगे, ये ओगोनियल सेल्स, ठीक है, ओगोनियल सेल्स, तो ये ओगोनियल सेल्स को क्या बोलते हैं, ओगोनिया, यहाँ देख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये ओगोनिया है, ठीक है। ओगोनिया जो रहेगा क्या होगा बेटा, अब ये ओगोनिया कहाँ से आया, तो ध्यान रखेंगे जैसे जर्म सेल होता है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वैसे ही जर्म सेल्स होंगे किस किसके अंदर, ओवरी के अंदर, ये मैं बना रहा हूँ छोटा सा डायग्राम, ये दिख रहा है ओवरी में एक लाइनिंग बना रहा हूँ जर्म सेल का, ये जर्म सेल है, ठीक है, ये जर्म सेल्स है बेटा, ये जर्म सेल, तो ये जर्म सेल से यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो जो जर्म सेल्स की लाइनिंग होती है उससे क्या बनेगा, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ओगोनिया बनेगा। अब ये जो ओगोनिया है, ये जो ओगोनिया है उसका माइटोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगा, प्राइमरी ओसाइट बनेगा, है ना, तो ओगोनिया का माइटोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगा, प्राइमरी ओसाइट। ये सारा चीज कहाँ हो रहा है, ध्यान रखेंगे फीटल लाइफ में हो रहा है, ठीक है, तो ओजेनेसिस स्टार्ट कब हो गया, फीटल लाइफ में हो गया, तो देखेंगे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू प्राइमरी ओसाइट हो रहा है, बस प्राइमरी ओसाइट बना। अब यहाँ देखेंगे बेटा कि प्राइमरी फॉलिकल दिख रहा है आप लोगों को, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी ओसाइट, तो प्राइमरी ओसाइट किसके अंदर होता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा डॉट जैसा अगर आपको ध्यान होगा तो यही प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइट के बाहर बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, है ना, जिसके कारण वो फॉलिकुलर सेल विथ प्राइमरी ओसाइट क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ हम देखेंगे अब इतना प्राइमरी फॉलिकल जो है जिसके अंदर प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइट जो है अब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा, जैसे हम लोगों ने स्पर्म बनते समय देखा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस स्टार्ट कर रहा था और दो सेल में डिवाइड हो रहा था, वैसे ही प्राइमरी ओसाइट अब क्या होगा, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट करेगा, लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट करेगा कंप्लीट नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो प्रोफेस वन में ही अटका रहेगा, प्रोफेस वन में ही सस्पेंडेड रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आईएमपी कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो प्रोफेस वन में अटका रहेगा, तो कब तक अटका रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मियोसिस वन का प्रोफेस वन में अटका रहेगा। अब मियोसिस वन में कितने स्टेज होंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, चार, ठीक है, तो प्रोफेस वन में ये रुका हुआ रहेगा मियोसिस वन का, और मियोसिस वन कब तक कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होगा, तो इसी फ्लो चार्ट में देखेंगे ये प्यूबर्टी ही है ना, तो जैसे ही प्यूबर्टी आएगा, बर्थ हुआ, फिटल लाइफ से बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद चाइल्डहुड, देन प्यूबर्टी,
देन प्यूबर्टी में क्या होगा, जो मियोटिक डिवीजन है जो प्रोफेज वन में रुका हुआ था वो अब कंप्लीट होना चालू होगा, और प्रोफेज वन, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वन कंप्लीट होगा, दैट इज मियोसिस वन कंप्लीट होगा, और फिर दो सेल बनेगा। कौन कौन सा दो सेल? पहला छोटा सा पोलार बॉडी और सेकेंड बड़ा सा सेकेंडरी ऊसाइट। अब ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये हैप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस वन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी ऊसाइट्स में क्या होगा, अब मियोटिक टू होगा, अब मियोसिस टू डिवीजन कंप्लीट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मियोसिस टू कंप्लीट होगा, और फिर मियोसिस टू कंप्लीट होगा तो क्या होगा, फिर से दो हैप्लॉइड सेल बनेगा, एक सेकेंड पोलार बॉडी और एक ओवम। तो ये ओवम जो रहेगा, ठीक है, ये जो ओवम रहेगा ये भी हैप्लॉइड रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि प्राइमरी ऊसाइट कहाँ बन के पड़ा हुआ है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कौन से स्टेज में? प्रोफेस वन में। देन प्यूबर्टी स्टेज में क्या होगा बेटा, प्यूबर्टी स्टेज में मियोसिस वन कंप्लीट होगा और फिर सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा। अब सेकेंडरी ऊसाइट मियोसिस टू स्टार्ट करेगा, ध्यान रखना स्टार्ट करेगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि मियोसिस टू जो स्टार्ट होगा कब, प्यूबर्टी होने के साथ, जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगा सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा और सेकेंडरी ऊसाइट मियोसिस टू स्टार्ट होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगा प्राइमरी ऊसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा, और सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो मियोसिस टू स्टार्ट करेगा, और फिर ये भी स्टार्ट होकर के मेटाफेज टू स्टेज में फिर से रुक जाएगा, मेटाफेज टू स्टेज में फिर से रुक जाएगा। तो ये मेटाफेज टू में ये रुकेगा, कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। तो कब तक? जब तक सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म फर्टिलाइज ना कर दे, ठीक है। तो ये जो ओवम लिखा हुआ है ध्यान रखना, ये कब होता है, जब स्पर्म, डायग्राम सेकेंडरी ओसाइट में देखेंगे, जब स्पर्म जो है, जब स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा उसी समय सेकेंडरी ओसाइट का मियोसिस टू कंप्लीट होकर के फिर ओवम बनेगा। तो फिर इसका ये मतलब है कि जो एग होता है फीमेल ट्रैक्ट में, जो एग प्रेजेंट होता है वो ओवम नहीं होता है, वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। तो देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में ओवरी का, तो प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है। देन प्राइमरी ओसाइट जो रहेगा, प्राइमरी फॉलिकल जो रहेगा वो सेकेंड टर्शरी फॉलिकल में चेंज होगा, टर्शरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट रहेगा, सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट। देन ग्रेफियन फॉलिकल में भी क्या प्रेजेंट रहेगा, सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट रहेगा। इसका ये मतलब है कि सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो मियोसिस टू कंप्लीट नहीं किया है और वैसे ही वो ओविलेट हो जाता है। तो ये जो ओवम है एक्चुअल में इसमें क्या रहता है, सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है। ये मेटाफेज टू स्टेज में रुका हुआ रहता है, कब तक, जब तक स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना कर दे। तो ये चीज को बहुत ध्यान से दो तीन बार पढ़िएगा, तब आपको ये इसके जितने भी क्वेश्चन है आसानी से समझ आ जाएंगे, क्रोमोसोम्स का नंबर भी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलिए गैमेटोजेनेसिस का मैक्सिमम पार्ट बेटा हम लोग फ्लो चार्ट और डायग्राम से पढ़ चुके हैं, यहाँ हम रीडिंग करेंगे और कुछ कुछ चीजों को हम एक्स्ट्रा यहाँ पर देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन मैंने बताया, जो वो क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, जो कि गैमेट बनाता है और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो नेक्स्ट देखेंगे टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल, मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, ठीक। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन इंक्रीज इन नंबर। ये बेटा आपको रीड करना है, पिछला जो भी था स्लाइड उसमें कंप्लीटली मैंने सारा चीज बता दिया है, आप इसको देखेंगे जल्दी जल्दी। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम, सब डबल होगा, ध्यान देंगे। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, है ना, ध्यान रखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का ही मियोसिस स्टार्ट होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मेटाफेज डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस फोर इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड नॉट स्पर्म। देन स्पर्मेटिड होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद, ध्यान रखेंगे मैंने पिछले स्लाइड में पूरे अच्छे से समझा दिया है। देन उसके बाद व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, सीधी सी बात है 23 ही होगा। चलिए देन उसके बाद स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, यहाँ पर ध्यान देंगे स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्पर्मेटोज और स्पर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, मैंने वहां पर भी आपको समझाया
स्पर्मियोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है ना, नीट में आता है, ध्यान रखेंगे। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जैसे स्पर्म बन जाएगा वो, यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि सर्टोली सेल जो है, यहाँ देखेंगे सर्टोली सेल, इसके इसका जो हेड होता है स्पर्म का, दैट इज स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये डिप करेगा न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल में, ठीक है, स्पर्म सर्टोली सेल में डिप करेगा और न्यूट्रिशन लेगा वहां पर, एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पर्मिएशन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब हम लोगों ने सारा चीज देख लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो रहता है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट कब होता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ से कैसे वो स्टिमुलेट हो रहा है वो देखेंगे। जैसे हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का जो लोअर पार्ट होता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस का लोअर पार्ट को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये हाइपोथैलेमस हो गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। अब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा जिसको बोलते हैं GnRH, GnRH, गोनेड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और दो टाइप का हार्मोन बनेगा, एक LH और एक FSH। ये दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, GnH, ठीक है, GnH। समझ आ रहा है यहाँ पर, दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, GnH। चलिए, तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन दो टाइप का हो गया, LH और FSH। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से ये जो LH और FSH बन रहा है, दैट इज GnH, ये क्या करेगा, चलिए देखते हैं। ये टेस्टिस है, टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें क्या मिलेगा आपको, दो से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, है ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में बहुत सारे छोटे छोटे कुछ सेल्स मिलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स। तो यहाँ पर मैं लेडिक सेल्स बना रहा हूँ, ये हो गया लेडिक सेल्स, ठीक है। देन यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये क्या चीज है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, दो टाइप का सेल्स मिलेगा, एक तो मेल जर्म सेल हो गया और दूसरा सर्टोली सेल, ये हम देख चुके हैं बेटा। अब ये हो गया सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब बात ये होती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट हो रहा है और कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो ये दो टाइप के हार्मोन से ही होगा। अब देखते हैं एलएच क्या करता है, एलएच जो रहता है वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, उसके रेस्पॉन्स में लेडिक सेल्स क्या बनाता है, एंड्रोजन बनाता है, और इसी को टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ देख लेंगे। एंड्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करेगा, स्पर्मेटिड तक बना के देगा, ठीक है, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड कैसे बनेगा, इससे बनेगा, ठीक है, मेल जर्म सेल से। अब बात आती है सर्टोली सेल की, ठीक है, सर्टोली सेल्स एंड देन एफएसएच। अब हम देखते हैं बेटा एफएसएच का फंक्शन किस पे होगा, ये एफएसएच जो रहेगा वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। एफएसएच किसको स्टिमुलेट करेगा, सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल क्या करेगा, कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाएगा, ध्यान देंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाएगा जो कि स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करेगा, स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करेगा, और आपको मालूम है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं बेटा, ध्यान रखेंगे, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, कौन सा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ देखेंगे, प्यूबर्टी स्टेज में क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को GnRH के थ्रू, और एंटीरियर पिट्यूटरी से GnH बनेगा, और ये जो GnH है ये दो टाइप के हार्मोन को बोलते हैं, LH और FSH। LH क्या करेगा, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, एंड्रोजन बनेगा टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन जो रहेगा मेल जर्म सेल को स्टिमुलेट करेगा और उससे क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं FSH, FSH क्या करेगा, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, और ये जो सर्टोली सेल्स है ये कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाएगा जो कि स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटिड को स्पर्म बनने में, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, कौन सा प्रोसेस को, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्पर्म का जो रहता है स्ट्रक्चर में, अब क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हेड देखेंगे,
उसका नेक देखेंगे, मिडिल पीस देखेंगे एंड टेल देखेंगे। तो चार पार्ट हो गया। अब हेड में क्या क्या होता है ना? तो हेड में सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो रहेगा, ध्यान रखेंगे बेटा, न्यूक्लियस जो रहता है वो हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? मतलब जिसमें 23 क्रोमोजोम्स होंगे। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे, टोटल 46 होता है ह्यूमन में। देन उसके बाद न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा एक्रोसोम। एक्रोसोम का इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स फॉर फर्टिलाइजेशन, एंजाइम्स फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कवरिंग है। देन नेक में आते हैं, नेक का इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसमें सेंट्रियोल होता है ना, इसको बाद में देखेंगे। देन आगे देखेंगे मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहेगा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो यहाँ पर भी वो स्पर्म को एनर्जी बना के देगा। एंड टेल जो रहता है वो स्विमिंग के लिए होता है। ठीक है, टेल जो रहेगा वो स्विमिंग के लिए रहेगा। तो ये हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है ना, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बस जो मैंने बताया है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक्रोसोम हो गया, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखते हैं कि ह्यूमन मेल इजेकुलेट्स, यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन मेल इजेकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस, है ना। इजेकुलेट्स का मतलब क्या होता है? जब मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को इजेकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म की जरूरत होती है एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए। उसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए हमको कितना, एटलीस्ट 60% स्पर्म चाहिए, जो कि नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एक लाइन को याद रखेंगे। ठीक है, अब जो 60% जो नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं, उसका भी 40% एटलीस्ट विगरस मोटिलिटी का होना चाहिए, तब जा करके एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बेटा, ये नेक्स्ट जो दिख रहा है पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। ठीक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखेंगे स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स, क्या क्या? सिक्रीशन ऑफ एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये ध्यान रखेंगे कि किसका किसका सिक्रेशन जो रहता है स्पर्म के मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा है पहले की क्लासेस में कि सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट जो रहता है, वो सेमिनल वेसिकल मेनली क्या बनाता है? फ्रक्टोज बनाता है। और ये जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है? एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, ऐसा फूड का काम करता है किसके लिए? स्पर्म के लिए। देन उसके बाद देखते हैं द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सेमन। ये हम देख चुके हैं बेटा पिछली क्लास में। सेमन क्या होता है? सेमन का मतलब होता है कि सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, दोनों के कॉम्बिनेशन को सेमन बोलते हैं। द फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे रेटे टेस्टिस, ठीक है, देन वास डिफरेंस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंशिया। ठीक है, ये सारा जो रहेगा ये एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। ग्लैंड्स में प्रोस्टेट हो गया, सेमिनल हो गया एंड बल्बो यूरेथ्रल हो गया, वो सबको कौन मेंटेन करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। और इसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या चीज है ये? टेस्टोस्टेरोन को ही बोल रहे हैं। अब टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनता है? हाँ, लेडिक सेल्स ऑफ टेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बेटा ऊजेनेसिस, ये क्या है? ये ऊजेनेसिस, ठीक है, ऊजेनेसिस। हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, ऊजेनेसिस। अब देखिए भाई, सीधी सी बात है, ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग मेनली जो है फर्स्ट स्लाइड में ही देख लिया था, फर्स्ट पेज में ही देख लिया था। अब यहाँ हम रीडिंग कर लेते हैं जो जो हम लोगों ने वहां पढ़ा है, तो इसको ध्यान से एक बार रीड करते जाएंगे, जो जो आपको थोड़ा सा नया लगेगा मैं बता दूंगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज ऊजेनेसिस, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो रहता है प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, लेकिन ऊजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज व्हेन कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, दैट इज ओगोनिया, फाउंड विद इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्मड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद फिर बर्थ के बाद कोई भी नया ओगोनिया नहीं बनता है। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेस वन, ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर कुछ याद होगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे बेटा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में एंटर करेगा, लेकिन गेट टेम्परेली अरेस्टेड, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी मैं बता चुका हूँ, एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट। तो प्राइमरी ओसाइट जो रहेगा कौन से स्टेज में रुका रहता है? प्रोफेस वन में रुका रहेगा। ठीक है, इच प्राइमरी ओसाइट देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। ये भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से रिवर्स करके देख लेंगे आप स्लाइड को। फर्स्ट पेज में अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000
प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी ना, ईच ओवरी, तो हर एक ओवरी में कितना 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचेंगे बेटा, बाकी सब डिजनरेट हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज में है, उसको हम देखेंगे अच्छे से। सेकेंडरी फॉलिकल, अब भाई सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, ठीक है, चेंजेस होगा, और वो क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल में चेंज होगा एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे कि एंट्रम किस में दिखेगा आपको, टर्शरी फॉलिकल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो रहेगा किस में दिखेगा, टर्शरी फॉलिकल में ही दिखेगा, ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इन टू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ये टर्शरी फॉलिकल है, ये क्या चीज़ है, टर्शरी फॉलिकल में ही आपको ये टी एफ टर्शरी फॉलिकल है, इसमें आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी ओसाइट मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सेकेंडरी ओसाइट मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ठीक है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है। अब ये क्या चीज़ है, ये एंट्रम है, ये एंट्रम है, फ्लूड फील्ड कैविटी। अब ये क्या बोल रहा है कि थीका लेयर भी बन रहा है, तो मैं यहाँ पर थीका लेयर बना देता हूँ, ये थीका लेयर बन रहा है। दो टाइप का थीका लेयर होता है, एक थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्ना। ये थीका इंटरना हो गया और दूसरे कलर से हम बनाएंगे यहाँ पर थीका एक्सटर्ना, ठीक है, थीका एक्सटर्ना, ये थीका एक्सटर्ना हो गया और थीका इंटरना। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी ओसाइट विथ इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोस इन साइज एंड कम्प्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिविजन। इट इज एन इन अनइक्वल डिविजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, देन एंड एट अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर है यहाँ तक, अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ऑलमोस्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देख चुके हैं, फिर भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब देखिए रीडिंग कर लेते हैं। सेकेंडरी ओसाइट रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट। अब प्राइमरी ओसाइट से ही सेकेंडरी ओसाइट बनता है और एक पोलार बॉडी बनता है, हम देख चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि उसको बल्क में साइटोप्लाज्म मिलेगा और वही आगे जाके एम्ब्रियो में फॉर्म होगा, ठीक है। द फर्स्ट पोलार बॉडी जो रहेगा वो फर्स्ट मीटर डिवीजन करेगा और डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये इसको अपने को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर अंडरगोस चेंजेस टू इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं डायग्राम से बता देता हूँ कि प्राइमरी फॉलिकल जो रहेगा वो किस टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये किस टाइप का है, जैसे ये प्राइमरी ओसाइट है बेटा, प्राइमरी ओसाइट है, ठीक, प्राइमरी ओसाइट जो रहेगा उसके बाहर कुछ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स है, ये स्ट्रक्चर को हम बोल दिए प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो रहेगा ये मल्टीपल सेलुलर लेयर में चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे, ये मल्टीपल सेलुलर लेयर दिख रहा है आप लोगों को, उसको क्या बोल देंगे हम, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर उसके बाद अब क्या होगा, ये मल्टीपल सेलुलर लेयर जो रहेगा स्ट्रक्चर और बड़ा होता जाएगा, ये सेकेंडरी ओसाइट हो गया। अब देखेंगे प्राइमरी ओसाइट जो रहेगा किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट में, ठीक है, ये सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो गया। चलिए अब ये सेकेंडरी ओसाइट के बाहर बहुत सारे फॉलिकुलर लेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये फॉलिकुलर लेयर जम गया। अब बात यह है कि फॉलिकुलर लेयर के बीच में कुछ स्पेस बनता है, ये स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एंड्रम, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, तो एंट्रम किस में होता है, टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है, और टर्शरी फॉलिकल में आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी ओसाइट। देन ग्रेफियन फॉलिकल में भी क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी ओसाइट ही मिलेगा, ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट आपको टर्शरी ग्रेफियन फॉलिकल सब में रहेगा। तो अब यहाँ पर भी क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, अब ये ओवम रिलीज हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये अपने बाहर एक लेयर बनाता है जिसको बोलते हैं जोना पेलोसिटा। तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, यहाँ पर ये जोना पेलोसिटा, फिर ठीक है, जोना पेलोसिटा। तो यहाँ पर देखेंगे रीडिंग करेंगे तो सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स अ न्यू
मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलोसिटा सराउंडिंग इट। ग्रेफियन फॉलिकल नॉ रेप्चर टू रिलीज सेकेंडरी ओसाइट ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। इसके लिए LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेज बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में ही देख लिया था इसको बेटा, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।